टाइगर 3 का पहला टीजर हुआ लॉन्च, सलमान खान दिख रहे हैं जबरदस्त अंदाज में। एक्शन पैक्ड ये मूवी दिवाली में होगी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है ये मूवी। इन दिनों परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की खबरें हैं सुर्खियों में। उसी बीच खबर आ रही है कि पति राघव चड्ढा के लिए एक स्पेशल गाना रिकॉर्ड किया परिणीति चोपड़ा ने। रिपोर्टेडली उनकी शादी के दौरान बज रहा था यही गाना। आशीष शेलार के गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे कई सितारे, करिश्मा कपूर और आमिर खान भी हुए शामिल। मूसलाधार बारिश बप्पा के दर्शन करने आई केरला स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा। बॉलीवुड में इन दिनों चल रहा है शादियों का मौसम। कुछ दिनों पहले ही परिणीति चोपड़ा ने रचाई शादी और अब खबर आ रही है कि जल्द ही शादी के बंधन में बन सकती हैं पूजा हेगड़े। खबर यह है कि किसी स्टार क्रिकेटर के साथ एक्ट्रेस करेंगी शादी, हालांकि अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। पेरिस फैशन वीक में डियोर के लिए जलवा बिखेरा खुशी कपूर ने। व्हाइट रंग के ड्रेस में लग रही थी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। उनकी तस्वीरों पर फैंस बरसा रहे हैं खूब प्यार, आप भी डालें एक नजर। यार या 2 के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची पूरी स्टार कास्ट। फुल मस्ती के मूड में दिखे पल्लवी पुरी, मिजान जाफरी और दिव्या खोसला कुमार ने फैंस के साथ लगाए ठुमके, डालिए एक नजर। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर 2024 के लिए चुनी फिल्म भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो को चुना गया है। केरल में आई बाढ़ पर बनी है ये फिल्म। आगे बढ़ गई टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत के टीजर की रिलीज डेट। पहले 27 सितंबर को रिलीज होने वाला था ये टीजर, लेकिन सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का भी टीजर इसी दिन लॉन्च हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि इसी कारण से गणपत के मेकर्स ने अपने फिल्म के टीजर रिलीज डेट को 27 सितंबर से अब 29 सितंबर 2023 कर लिया है। तापसी पन्नू द्वारा प्रोड्यूस्ड फिल्म धक धक की रिलीज डेट आई सामने। तापसी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से दी जानकारी। 13 अक्टूबर से सिनेमाघरों में लगेगी ये फिल्म। पॉप सिंगर बियॉन्से के कॉन्सर्ट में अपने पति श्रीराम नेने के साथ पहुंची माधुरी दीक्षित। पति के साथ खिंचवाई तस्वीर, वायरल हुई ये फोटो।